हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुप उपाध्याय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्री कंसेंट के अंदर आता है। अगर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वह वॉइडेबल होगा, वह मान्य नहीं होगा। आज की डेट में ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो सिर्फ एक दो जगह नहीं देखा जाता है, पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ़ायदा उठा लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे हमारे आज के बाबाओं की, बाबा जी क्या करते हैं, अपने शिष्य पे कहते हैं, बेटा तेरी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तू स्वर्ग में जाएगा। ऐसा सुन के वह शिष्य कई बार अपनी प्रॉपर्टी, लो बाबा जी मैं तो स्वर्ग गया, और बाद में पता चलता है मेरे साथ तो ये क्या हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है, ये मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया है। तो आज मैं बात करूंगा अनड्यू इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 16 में ये दिया हुआ है जिसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे होता है बाय डेफिनेशन मोड। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस को असम्यक असर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम बात करेंगे 16 के क्लॉज 1 की। क्या कह रहा हूं, 16 के क्लॉज 1 की। जब भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो एक पॉइंट याद रख लीजिए, डोमिनेटिंग पोजीशन। क्या कह रहा हूं, डोमिनेटिंग पोजीशन। एक व्यक्ति क्या है, वो डोमिनेट करता है किसके, किसको, दूसरे व्यक्ति को। तो जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करके कोई काम करवाता है तो वह लेमैन की भाषा में क्या हो गया, असम्यक असर हो गया। आइए जानते हैं, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी, क्या कह रहा हूं, वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट। किस पोजिशन में है, डोमिनेट करने के पोजिशन में। वर्ड को बहुत ही याद रखना है, डोमिनेट कर रहा है किसको, टू द विल ऑफ द अदर, ये किसी अन्य के इच्छाओं को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड यूजेस दैट पोजिशन, और वो अपने पोजिशन का उपयोग कर रहा है, किस लिए कर रहा है, टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। मतलब वो अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए क्या कर रहा है, उसको दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वह क्या माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। जहां की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि इनमें से एक पक्षकार, इनमें से एक पक्षकार क्या कर रहा है, दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में, अधिशासित मतलब डोमिनेट करने की स्थिति में है, और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अरिजू मतलब होता है अनड्यू, मतलब जो उसका फायदा नहीं है वो फायदा लेने के लिए, अरिजू फायदा अभी प्राप्त करने के लिए करता है। तो 16 का क्लॉज 1 यही कहता है, एक वर्ड याद रखिए, डोमिनेटिंग पोजीशन। 16 का क्लॉज 2 क्या कहता है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन, एक व्यक्ति को यह माना जाएगा कि वो किस पोजीशन में है, वह डोमिनेटिंग पोजीशन में है। किस सिचुएशन माना जाएगा, वो सिचुएशंस को हम देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को परिभाषित, ये गलत लिखा हुआ है यहां पे, आप मानेंगे अधिशासित करने की स्थिति में, क्या कह रहा हूं मैं, अधिशासित करने की स्थिति में माना जाएगा, अधिशासित। जी बिल्कुल, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है, जबकि वह, मतलब वह क्या माना जाएगा कि डोमिनेटिंग पोजीशन में। कब, पहला, फर्स्ट, वेयर अ पर्सन होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जब एक व्यक्ति, क्या कह रहा हूं, जब एक व्यक्ति, ये ले एक व्यक्ति, ये रहे दूसरे व्यक्ति, ये दूसरे व्यक्ति पे रियल या फिर अपरेंट अथॉरिटी रखते हो, राइट, तब माना जाएगा वो डोमिनेंट पोजीशन पे। दूसरा एग्जाम्पल इसका एक यहां पे दिया हुआ है, अ पुलिस ओवर द एक्यूज्ड, क्या बात चल रही है, एक पुलिस है, उसने एक एक्यूज्ड को अरेस्ट करके रखा हुआ है, तो पुलिस हमेशा कैसे रहता है, एकदम यूं, एकदम गुस्से में, मतलब एकदम उसको डोमिनेट करता रहता है एक्यूज्ड को। तो ये क्या है, एक पुलिस का एक्यूज्ड पे जो डोमिनेशन है वो रियल अथॉरिटी है, और या दूसरी क्या हो सकती है, अपरेंट मतलब दृश्यमान अथॉरिटी है, तो भी वो क्या माना जाएगा, वो डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन में आएगा। मैं अभी ये समझा रहा हूं यहां से कि डोमिनेट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है,
कौन इस पोजीशन में कवर्ड होगा, कौन कवर्ड नहीं होगा। तो इसके बारे में पहला हो गया पुलिस ऑफिसर। दूसरा हम बात करते हैं यहां से क्या है, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी ओवर द असेसी। अगर क्या है, एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है। वो क्या रखता है डोमिनेंट पोजीशन किस पे, असेसी पे। असेसी कौन होता है, करदाता, जो कर देता है। कर का मतलब क्या हो गया, टैक्स। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, राइट। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर हो गया वो किस पे, वो अपने पुलिस ऑफिसर अपने एक्यूज्ड पे जो उसके पास है उस पे डोमिनेंट पोजीशन रख सकता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने असेसी पे डोमिनेंट पोजीशन रखती है। फिर हम बात करेंगे इसके अलावा, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन। ध्यान से सुनिएगा, फिड्यूशरी रिलेशन जो कि पॉइंट को नोट करना है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ फिड्यूशरी रिलेशन में है तो भी साथियों मानिएगा कि वो किस में है, वो एक डोमिनेंट पोजीशन में है, बिल्कुल। अब यहां पे मैं बता दूं आपको कि फिड्यूशरी रिलेशन जो ये वर्ड यूज हुआ है, आखिर ये है क्या। तो फिड्यूशरी रिलेशन को यूं समझिए कि एक व्यक्ति जो है वो कौन है और दूसरा व्यक्ति वो कौन है। अगर यह व्यक्ति मास्टर है और यह व्यक्ति सर्वेंट है, यह व्यक्ति डॉक्टर है और यह व्यक्ति पेशेंट है इनका, ये एक एडवोकेट साहब हैं, ये इनके क्लाइंट हैं। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति क्या कहलाएंगे, फिड्यूशरी रिलेशन में किसके साथ, दूसरे। फिड्यूशरी का मतलब क्या हो गया कि वह विश्वास करने वाले कैटेगरी में आ रहा है व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विश्वास में है। अब आगे चलते हैं हम, फिड्यूशरी रिलेशन इज अ रिलेशन ऑफ अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने अभी बताया, यह ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है बिटवीन द पार्टीज। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। पहला लॉयर एंड क्लाइंट हो गया, डॉक्टर एंड पेशेंट हो गया, मास्टर एंड सर्वेंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गजब का यूज होता है भाई आज के डेट में। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु और हिज डिसिपल, मतलब जो गुरु होते हैं वो गुरु और उनके कौन हो गए, शिष्य। डिसिपल का मतलब क्या होता है, शिष्य। तो कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो गए जो देते हैं, वो भाषण देते हैं कि मतलब भला ही होगा, अपना तो पता नहीं, दूसरों का भला करते रहते हैं ये, तो ये बड़ा ही विडंबना है हमारे देश की। रिलीजियस गुरु भी हो गए, कई लोग धर्म की आड़ में भी कहते हैं क्या करोगे तुम संपत्ति का, तुमको तो स्वर्ग में जाना है, मुझे दे दीजिए सारा, है ना, तो वो मुझे दोगे तो भी स्वर्ग ही मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ऐसा ही बोल देते हैं। तो ये दोनों लोग कौन होते हैं, डोमिनेंट पोजीशन में। तो यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं, चाहे वो लॉयर हुआ, चाहे वो डॉक्टर हुआ, मास्टर हुआ, या फिर ट्रस्टी और जो भी होते हैं, ये सभी कौन है, डोमिनेंट पोजीशन में वर्क करते हैं एंड दे आर इन फिड्यूशरी रिलेशन। फिर हम बात करेंगे, ए पॉइंट की बात कर ली हमने, 16 के क्लॉज 1 की बात तो हमने अभी पूरी कर ली। अब 1 के अंदर 16 के बाद 16 का क्लॉज 2 था जिसके अंदर ए पॉइंट था, वो हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब इसका बी क्लॉज क्या कहता है, वो ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ। ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, एक व्यक्ति है ये लीजिए, ये दूसरा व्यक्ति है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बट जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है, वो बड़ा ही, वो एज में है, एज का मतलब 90 साल की एज, 80 साल की एज, उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इलनेस, ऐसी बीमारी में है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ना समझ पा रहा है, या फिर मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, समझ रहे हैं, मेंटली है, पागल वागल हो गया है, या मेंटल उसकी लेवल ही कमजोर हो गया है। ऐसा नहीं जरूरी है कि अनसाउंड माइंड ही मेंटली होगा, मेंटली डिस्ट्रेस में ये भी आ सकता है, व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति बुढ़ापे में कम हो जाती है। बॉडीली डिस्ट्रेस, अपनी बॉडी से ही पूरी तरह से वो अपंग है एक तरह से। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, किस पर्सन के साथ, हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। तो वो माना जाएगा अंडू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप उसके साथ। फिर 16 का क्लॉज 3, अब हम बात करेंगे 16 का क्लॉज 1 और 2, तो आपने समझ लिया डोमिनेंट पोजिशन का यूज हो रहा है।
बट 16 का क्लॉज 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा। इसे इंडियन एविडेंस एक्ट के, क्या बोल रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो ये बात बोली गई है इसका कनेक्शन कहां है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 में ये बात बोली गई है। वहां पे भी किसकी बात होती है, एक्टिव कॉन्फिडेंस की, समझिएगा। इसको लिंक करके मैं आपको समझाऊंगा कैसे हुई है। देखिए अब 16 का जो क्लॉज 3 है उसका सीधा का सीधा कनेक्शन किसके साथ है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 के साथ। अब देखते हैं 16 का क्लॉज 3 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, आप एक व्यक्ति है दूसरे के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, अब ये बर्डन किस पे होगा कि वो प्रूव करेगा भाई मैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उस व्यक्ति को ऊपर ये भार रहेगा, वो ये प्रूफ करके दिखाएगा भाई मैं तो अंडी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग अंडी इन्फ्लुएंस किस पे रहेगा, अगर वन वर्ड की बात करेंगे हम तो किस पे रहेगा, ऑन पर्सन, किस पर्सन पे, हु इज इन डोमिनेटिंग पोजिशन, हु इज इन, यहां लिख देता हूं डोमिनेटिंग पोजीशन। कोई भी व्यक्ति जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है ये साबित करना कि भाई मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में तो हूं बट मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अपरेंटली अनकंसाइजनेबल लोकात्मकता के विरुद्ध लगे, then burden to prove that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person who is in, क्या लिख रहा हूं, who is in dominating position, जो dominating position में उसे ये burden रहेगा प्रूफ करने का, यह साबित करने का भार कि ऐसी संविधा असमय असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो अधिशासित करने की स्थिति में है। अधिशासित का मतलब हो गया डोमिनेटिंग करने की पोजीशन में, और ये जो डोमिनेटिंग वाली बात है, ये जो मतलब पॉइंट है, ये सीधा इंडियन एविडेंस एक्ट में आप जाएंगे 111 में, वहां पे भी लिखा है एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात बताई गई है। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट कम विद इन द अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, ऐसा कौन सा संबंध है, हिंदी में भी बता दे रहा हूं ताकि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, कौन सा ऐसा संबंध है विच डज नॉट कम विद इन द अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, ऐसा संबंध बताइए जो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब असम्यक असर में नहीं आते हों, असम्यक असर की परिभाषा में या सॉरी रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डॉक्टर एंड पेशेंट, यस ये तो आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका असम्यक असर की डेफिनेशन में आता है। फिर बात करेंगे लॉयर एंड क्लाइंट की, तो ये भी आता है। बी थोड़ा सा संदिग्ध दिख रहा है। डी क्या है, मास्टर एंड सर्वेंट, बिल्कुल ये तो आपके क्या हो गए, ये आपके बिल्कुल ये रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां किस रिलेशनशिप में नहीं आता है, ये बोल रहा है नॉट कम। तो इस क्वेश्चन में नॉट कम क्या होता है, इसका आंसर होगा कस्टमर एंड शॉपकीपर, 100% इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, क्यों होगा समझ रहे हैं। अरे आप एक दुकानदार और एक ग्राहक है, क्या वो एक दूसरे को अंडू इन्फ्लुएंस कर लेंगे क्या, 100% नहीं कर सकते हैं। और ये भी है, लेट द बायर बी अवेयर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात मैंने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट को सभी से कवर करते हुए पढ़ना है। लेट द बायर बी अवेयर, आप कोई भी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो अवेयर रहे कौन सी क्वालिटी का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। सो हेयर कस्टमर एंड शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन, यहां पे इसको चार्ट से समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ए है, ठीक है, दूसरा यहां पे कौन है, ये बी है। ए अप्लाई करता है एक बैंकर को, टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। अब स्ट्रिंजेंसी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझे, इसका मतलब होता है आर्थिक तंगी, मार्केट में क्या पहले से ही आर्थिक तंगी चल रही थी,
अब जब आर्थिक तंगी चल रही थी आपकी, उसी टाइम ए ने एक बैंकर को क्या किया, एक बैंकर था ये, इस बैंकर को अप्लाई किया। क्या किया? अप्लाई किया। किस लिए अप्लाई किया देखते हैं। फॉर अ लोन, किस लिए अप्लाई किया? लोन के लिए किया। ओके फिर आगे चलिए। तब जब अप्लाई किया उस समय जो पूरा मनी मार्केट था वो पूरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन, बैंकर ने मना कर दिया कि वो लोन नहीं देगा। एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर वो लोन देगा तो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देगा। क्या कह रहा हूं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देगा। उसका रीजन ये है कि अभी आर्थिक तंगी है, स्ट्रेननेस है कहां पे, मनी मार्केट में। ए एक्सेप्ट द लोन और ए ने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो, ओके लोन तो दूंगा बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा। चार्ट से पूरा समझ में आ जाएगा, देखिएगा। लेकिन यहां पे क्या क्या, ए ने कहा ओके आई एम रेडी, ठीक है, ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज, फर्स्ट ऑप्शन विशिएट बाय अंडू इन्फ्लुएंस, क्या ये एकदम दूषित हो गया? विशिएट का मतलब क्या होता है? विशिएट का मतलब होता है दूषित। क्या यह अंडू इन्फ्लुएंस के द्वारा दूषित है? यहां पे अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है क्या? आप जनरल सोचिए, अरे आप बैंकर के पास जा रहे हैं तो उसका ये राइट है, वो बिजनेस कर रहा है, उसका ये राइट है कि आपको किस रेट पे लोन पे देगा। अगर आर्थिक तंगी चल रही है तो हाई रेट दे रहा है, क्या गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये मैं तो मानता हूँ ये वैलिड है। तो इसका बी ऑप्शन देखिए, वैलिड बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन माना जाता है, तो ये एकदम वैलिड है। यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस कोई है ही नहीं, इसका आंसर यही बी ही होगा। सी देख लीजिए, वॉइड तो हो ही नहीं सकता, वॉइडेबल तो हो ही नहीं सकता, तो आगे पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन, दिखने में टफ लग रहा था बट है बड़ा ही आसान। अब एक प्रश्न की बात करते हैं, आपका फेवरेट प्रश्न है, जरा इनसे बच के रहिए। लो आ गए आपके गुरु, आपके गुरु आ गए हैं, जो स्पिरिचुअल एडवाइजर होते हैं उनको गुरु बोलते हैं, राइट। अब इंड्यूस टू द चेला, ठीक है, इसको भी मैं चार्ट से समझाता हूँ। ये रहे आपके गुरु, ये गुरु हैं आपके, बड़े ही हसमुख गुरु हैं, ये आपके चेला हो गए, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं किसको, चेला को। द डिवोटी, चेला वही है जो डिवोटी है, पूरा डिवोट है अपने गुरु के लिए। टू गिफ्ट हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट्स टू हिज सॉल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, वेरी नाइस। द गिफ्ट शैल बी वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इमोरल। सिंपल सी बात है भाई, अगले जन्म में जब आप आओगे तो एकदम खुशी खुशी आपको मनुष्य का ही जीवन मिलेगा। अभी भी मनुष्य हो, अगले जन्म में भी मनुष्य का जीवन पाओगे, ऐसा बोलते हैं मान लीजिए स्पिरिचुअल गुरु अपने चेला को। तभी पाओगे जब आप क्या करोगे, अपनी सारी संपत्ति मुझे गिफ्ट कर दोगे, या फिर क्या आपको स्वर्ग मिलेगा अगर आप सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देते हो, या आपको मरने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देते हो। तो ये सारे तरह के जो ये इन्फ्लुएंसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये वॉइड होंगे, वैलिड होंगे कि इमोरल होंगे, वॉइडेबल होंगे। 100% ये वॉइडेबल होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हो आप, ये अंड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अंड्यू इन्फ्लुएंस से होता है तो वह क्या होता है, वह वॉइडेबल होता है, शून्य करणीय। वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, शून्य करणीय, राइट। तो एकदम कंफ्यूज मत होइए। ये थे आपके कौन, गुरु, ये रहे आपके गुरु और ये रहे चेला साहब। तो ये चेला को बच के रहना पड़ेगा, आजकल तो गुरु बड़े डिजिटल गुरु भी हो गए हैं, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम। अब बात करते हैं हम, तीन क्वेश्चंस तो हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, सारे के सारे बढ़िया नोट्स इसमें से बना के लाने हैं, देन हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की। आज के लिए इतना ही था, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर अंडू इन्फ्लुएंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।